पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के 44 जवानों को शहीद कर दिया था, जिसके कारण पूरे देश में दुख का माहौल था। सभी का कहना था कि सरकार को इसका बदला लेना चाहिए। आम जनता की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों को आदेश दिया कि हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। उसी का पालन करते हुए बीती रात भारतीय वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बमबारी कर 300 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कार्य सराहनीय है। ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई थी। इसी खुशी का इजहार करते हुए मंडी चौक में व्यापारियों द्वारा खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी व मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई और उन्होंने कहा कि हमारे देश के वीर जवान किसी से भी कम नहीं हैं। आज ये जो जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश में नहीं पूरे हिंदुस्तान ये जश्न मना रहा है, ये बड़ी खुशी का माहौल है। हमारी वायुसेना ने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करा है बड़ा ऐतिहासिक है। अब तक हम लोग गम में डूबे हुए थे, लेकिन हम पाकिस्तान को यह चैलेंज दे देना चाहते हैं कि अब हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो तेरी कलिए लाशें उठी हैं अब इससे 4 गुनी और 10 गुनी लाशें उठेंगी, ये हम बता देना चाहते हैं। आज जो जश्न मनाया जा रहा है, हम लोगों ने दिवाली मनाई, होली मनाई और ये गदा के नाम से जय श्री राम का उद्घोष करके हम लोग सब एक हैं, सारे व्यापारी एक हैं। हम लोग इसी के उसमें हम लोग आज चले हैं बाजारों में और लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़ा लोगों में उत्साह है, क्योंकि भारत ने वो ऐतिहासिक कार्य करा है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में करे।